जिसका शिकार मेट्रो की तारीफ करने वाले सेलिब्रिटीज को भी होना पड़ रहा है। अमिताभ बच्चन यानी कि बिग बी को मुंबई मेट्रो की तारीफ में एक ट्वीट करना भारी पड़ गया और उसके बाद अक्षय कुमार के ट्वीट ने उसमें जैसे आग लगाई। देखिए ये रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन के घर के बाहर विरोध, जंगल को बचाने के लिए सड़क पर प्रदर्शन। मेट्रो में सफर करते अक्षय कुमार, इस वक्त मैं मेट्रो में। आरे जंगल काटने के विरोध में कांग्रेस, शिवसेना ने जंगल काटने पर उठाए सवाल। विरोध और उम्मीद की ये पांच तस्वीरें मुंबई मेट्रो को लेकर हैं। मुंबई मेट्रो का प्रस्तावित कार शेड विवाद का केंद्र बन गया है। कार शेड के लिए आरे के जंगल काटने के प्रस्ताव पर विवाद गहराता जा रहा है, जिसके लिए मेट्रो का समर्थन करने पर बॉलीवुड के दिग्गज अमिताभ बच्चन भी घिर गए हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन ने मुंबई मेट्रो की तारीफ में एक ट्वीट किया जिसने लोगों को भड़का दिया। अमिताभ ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे एक दोस्त को मेडिकल इमरजेंसी थी, उसने अपनी कार के बजाय मेट्रो से जाने का निर्णय लिया। बहुत इम्प्रेस होकर वापस आए वो, कहा कि ये तेज, सुलभ और काफी काबिल है। प्रदूषण का उपाय, ज्यादा पेड़ लगाएं। मैंने अपने बगीचे में ये किया, क्या आपने किया? इस ट्वीट के बाद अमिताभ के घर के बाहर आरे जंगल के समर्थन में लोग विरोध करने पहुंच गए। पोस्टरों और बैनों पर लिख डाला कि घर का बगीचा जंगल नहीं होता। इतना ही नहीं, एमएनएस ने अमिताभ बच्चन का कार्टून बनाकर उनका अलग अंदाज में विरोध कर डाला। इसी विरोध के बीच बॉलीवुड के एक और दिग्गज अक्षय कुमार ने मेट्रो की सवारी की और उसकी तारीफ का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। दरअसल ये विवाद उस मेट्रो कार शेड के लिए है जिसको आरे के जंगलों में करीब 2700 पेड़ काट कर बनाया जाना है, जिसके लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन कोर्ट ने 30 सितंबर तक उस पर रोक लगा दी है। इस बीच कांग्रेस आरे के जंगल को बचाने के लिए सड़क पर उतरी हुई है और पेड़ काटने का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि वो मेट्रो के खिलाफ नहीं, पेड़ काटने के खिलाफ है। बड़े पैमाने पर पेड़ काटने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें लगभग 2700 पेड़ यहाँ काटे जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। उसके खिलाफ मुंबई के सर्व सामान्य नागरिक आक्रोश में है, गुस्सा में है। कोई व्यक्ति इस पक्ष में नहीं है कि आरे का एक भी पेड़ काटा जाए। आरे हमारा जंगल है, हमारा जीवन है, मुंबई के लोगों की सांस है। इस आरे को सुरक्षित रखना चाहिए, ऐसा मुंबई के सभी लोग चाहते हैं। आरे के जंगलों को बचाने के लिए कांग्रेस ही नहीं, आम मुंबई कर भी सड़कों पर आ गया है। लगातार विरोध चल रहा है, आम जनता हो या फिर पॉलिटिकल पार्टियां हो, सभी लोग रोड पर उतरकर लगातार विरोध कर रहे हैं। जो वही जगह है जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहां मेट्रो का असर पड़ने जा रहा है, इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि आम मुंबई कर एक तरफ जो नेता है यानी अलग अलग पार्टी के लोग हैं वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं आम जनता आप देख रहे हैं इस वक्त आम जनता जो है वह यहां पर ह्यूमन चेन बनाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। किसी भी सूरत में यहां पर मेट्रो का सेट वह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मेट्रो का सेट बनने का साफ मतलब जो आप पेड़ देख रहे हैं, जो यहां पर हरियाली देख रहे हैं वो हरियाली यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पर एक दो नहीं लगभग 2700 के आसपास जो पेड़ है वह काटे जाएंगे। इसी बात को लेकर यहां पर पिछले काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस ही नहीं, जिस बीएमसी के समर्थन से ये प्रस्ताव लाया गया उसी शिवसेना के चेहरे आदित्य ठाकरे ने लोगों का विरोध देखते हुए इस परियोजना पर सवाल उठा दिए। और अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की